तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक अच्छा सा प्रॉब्लम इसमें कहता है कि स्मॉल हॉरिजेंटल सरफेस है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, और एक यहाँ पर ग्रूव बना दिया। ग्रूव मतलब होता है सुरंग, ऐसा कुछ सुरंग बना दिया गया है, ये पाइप बना दिया गया सुरंग, और इसमें ये जो अपर सरफेस है उसको मैं ए बी बोल देता हूँ, जो उधर है, और जो लोअर है उसको मैं डी सी बोल देता हूँ। तो इस ग्रुप में एक पार्टिकल आ गया है ये वाला, ठीक है ना, ये, और ये उसका साइड वाला जो है, हाँ ये जो है साइड में टच कर रहा, और वेट एम जी से अपने सरफेस को, नीचे वाले सरफेस को एम जी से दबा रहा होगा, तो ऊपर में नॉर्मल एन आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो सबको पता है। अब ये ओमेगा से घूम रहा है, तो लीनियर, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है ओमेगा से, तो लीनियर स्पीड तो इसकी इधर ऐसे आएगी, ऊपर इधर आएगी। तो अगर ये इधर मैं एक्स एक्सिस, इधर मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, और इधर मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ, और इधर जेड है, तो ध्यान देना इन दोनों फोर्सेस के अलावा ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है स्पीड। तो इस ग्रुप पे ही खड़े होके देखो, तो ग्रुप पे खड़े होके देखोगे, ये ऑब्जर्वर है अपना, तो ये जो बॉल है, ये जो पार्टिकल है, जो उधर अंदर, जो बोर्ड के अंदर वाला जो सरफेस है उसको दबा रहा होगा, तो बदले में जो नॉर्मल आ जाएगा N1 इधर आ जाएगा हॉरिजेंटल, ये जो है नॉर्मल वो हॉरिजेंटल है और इस एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो नॉर्मल है वो टेबल के परपेंडिकुलर है, टेबल के परपेंडिकुलर है, और ये जो MG को कैंसिल कर रहा है, ये जो नॉर्मल है वो MG को कैंसिल करेगा, तो ये N1 आ गया। तो इस N1 को कौन कैंसिल करेगा? तो इस N1 को एक अलग से इधर फोर्स आएगी, जिसको हम बोलते हैं, उसको ज़्यादा हमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन उसको कोरियोलोसिस फोर्स बोलते हैं। तो कोरियोलोसिस फोर्स जो आएगी वो इस नॉर्मल N1 को कैंसिल कर देगी। इन दोनों फोर्स के अलावा, ठीक है, ये जो कोरियोलिसिस फोर्स है, N1 है, MG है और N है, इनके अलावा एक सूडो फोर्स आएगा इधर की डायरेक्शन में, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी MR और x², ठीक ना। मान लेते हैं कुछ जनरल डिस्टेंस r पर है, वैसे तो ये इनिशियल डिस्टेंस कितना था, इनिशियल डिस्टेंस ये तो a दिया हुआ था, तो पार्टिकल का भी जनरल डिस्टेंस अगर x पर है, ठीक है, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर मूव करेगा mx² और यही ω² स्मूथ सरफेस है, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसी ओमेगा से पार्टिकल इधर जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। ये कौन देख रहा है? वो ऑब्जर्वर देख रहा है जो टेबल पे ही है। तो ये जो फोर्स है, यही इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, और वो आ जाएगा mx² ठीक है ना। तो ये बस इतनी सी बात थी हमें लिखनी थी। अब ये निकालना है कि जब इसका लेंथ एल हो जाएगा, मान लो एक किसी वक्त ये लेंथ एल हो गया, तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें निकालनी है। यहाँ पर स्पीड कितनी होगी वी, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो अगर स्पीड निकालनी है तो इस ए को मैं लिख सकता हूँ dv/dt या इज इक्वल टू x² यहाँ x एक जनरल डिस्टेंस है, वेरिएबल है, और इस dv/dt को मैं लिख सकता हूँ dx/dx, क्योंकि मैं टाइम के फंक्शन में नहीं एक्सेलेरेशन को लिखना चाहता, मैं पोजीशन के टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो dv/dx और ये जो dv, ये dx/dt वो स्पीड बन जाएगी, और ये यहाँ से x² ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सोल्यूशन है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वेलोसिटी v दैट इज dv, और ये ω² x dx, तो ये जो है पोजीशन और वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। तो अब लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट देखते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू एक्स एक जनरल डिस्टेंस है, जब एक्स की वैल्यू ए थी तो पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था, स्पीड कितनी थी, जीरो थी। जब एक्स की वैल्यू कुछ कैपिटल लेंथ एल हो जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलो, स्पीड हो जाएगी, वो हमें निकालनी है यार, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी, स्पीड हो जाएगी प्यारे बच्चों भी, तो स्पीड भी हो जाएगी, वो हमें निकालनी है। चलो तब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से करोगे तो v² / 2, और ये लिमिट जाएगा 0 to b, इसको करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये x² /
एक्स स्क्वायर अपन, यहाँ से अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपन टू, और लिमिट जाएगा ये ए टू एल। तो फाइनली जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इधर बनेगा, टू ने टू को ख़त्म कर दिया, वी स्क्वायर बनेगा इधर ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट रखोगे तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये बनेगा। तो फाइनली वी की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस ओमेगा, दैट इज एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, एक आसान क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो और मेरे चैनल के साथ बने रहो।